Actor Shahid Kapoor, who will next be seen on screen in the Bollywood remake of the Telugu hit Darcy, says he cried 4 times after watching the original film because he could relate to the central character of the story, who is close to his age. मेरे मन में बिल्कुल नहीं था कि मैं एक फिर से एक रीमेक करूं. मेरे मन में था कि कोई ओरिजिनल फिल्म मिले तो मैं वो करूं. लोगों को नहीं लगना चाहिए मैं यही कर रहा हूं. लेकिन मैंने बहुत कुछ सुना और वो कहानी जब मैंने देखी वो फिल्म तो मेरे दिल को छू गई. बिकॉज हालांकि वो क्रिकेट पे बेस्ड है लेकिन वो एक 36-year-old के बारे में है जिसका एक 6 साल का बेटा है जो क्रिकेटर था और अब वो छोड़ चुका है. और 36 साल की उम्र में फॉर सर्टन रीजंस वो डिसाइड करता है कि नहीं, मैं फिर से जाके वही करूँगा जो मुझे आता है, जिसके बारे में मैं पैशनेट हूँ और जो मुझे मेरी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगता है. शाहिद सेड व्हाइल इंटरैक्टिंग विद द मीडिया एट द स्टार स्क्रीन अवार्ड्स ऑन मंडे इन मुंबई. तो मैं पर्सनली बहुत रिलेट किया मैंने इस कहानी के साथ क्योंकि मैं भी 38 का हो गया हूँ और कभी कभी मुझे भी लगता था कि यार ये मेरा ब्लॉकबस्टर पिक्चर तो आ नहीं रही है तो मैं क्या करूँ यार, कुछ और ट्राई करूँ क्या. मेरे को ऐसा लगता था यार, यू नो. और हम सबको आई थिंक लाइफ में ये टाइम आता है जब आपको ऐसा फील होता है कि यार मेरा क्यों नहीं हो रहा है, कुछ गलत किया क्या मैंने, और आप कुछ और करने लगते हो, यू नो, आपको कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है. Shahid said he could relate to the original Telugu film tremendously. The actor said, मेरे डीप डाउन मेरी फीलिंग यही है कि लाइफ में जो चीज़ बहुत ज़्यादा प्यारी लगे ना, जो दिल के बहुत करीब हो, वो करते रहना चाहिए यार. चाहे उसमें ज़्यादा सक्सेस मिले, थोड़ी मिले, लेकिन दिल खुश रहता है. तो वो फिल्म का मैसेज जो है ना, वो उस टाइप का मैसेज है. तो मुझे वो एक्चुअली, मैं 4 बार रोया जब मैंने वो फिल्म देखी. और ये कैरेक्टर बिल्कुल भी कबीर सिंह जैसा नहीं है. ही इज़ अ वेरी शांत कैरेक्टर, क्वाइट है, थोड़ा इंट्रोवर्टेड है. लेकिन उसकी जो इंटेंसिटी और जर्नी है मुझे बहुत इंस्पायरिंग लगी. मुझे ऐसा लगा ये कहानी मैं लोगों तक पहुंचाना चाहूँगा क्योंकि मैं भी ऐसे वीक मोमेंट से गुजर चुका हूँ जब मुझे भी ऐसा लगता था कि यार कुछ और ट्राई करे क्या यार, अपना थोड़ा टाइम नहीं, इधर मन बन नहीं रहा है. द हिंदी वर्जन ऑफ जर्सी स्केड्यूल टू ओपन टू ऑगस्ट 28 नेक्स्ट ईयर ऑल्सो फीचर्स मृणाल ठाकुर. द फिल्म विल बी डायरेक्टेड बाय गौतम तिनोरी हु ऑल्सो हेल्म्ड द तेलुगु ओरिजिनल. आईएनएस रिपोर्ट.